इस वीडियो में हम इस छोटी सी डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो है कि पल्स ऑक्सीमीटर इसको बोलते हैं। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये मेजर करता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेशन और इस पर हम देख सकते हैं पल्स रेट भी देख सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी केसेस होते हैं उनमें हम मेनली ये इस्तेमाल करते हैं और वी कैन आल्सो यूज़ इट इन केस ऑफ एमरजेंसी सो एज टू चेक द पल्स रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो हम बहुत तरीके से देखते हैं, लाइक वी सी आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन दैट इज़ SpO2 एंड वी आल्सो सी, और हम देखते हैं जो वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको हम कहते हैं SpO2, और हम टिश्यू का भी देखते हैं दैट्स कॉल्ड StO2, और इसी तरह से हम देखते हैं इस पर SpO2, वो हम अभी देखेंगे कैसे देखते हैं। तो अभी हम फिंगर्स की बात करें जिसके बारे में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि क्या हम इंडेक्स फिंगर यूज़ करें या फिर मिडिल फिंगर यूज़ करें। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन 80% केसेस में क्या है कि जो डॉक्टर्स है जो लोग हैं वो मिडिल इंडेक्स फिंगर पे पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट वी शुड यूज़ मिडिल फिंगर, क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल फिंगर है इसमें दोनों आर्टरी का ब्लड पहुंचता है, दैट्स अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। और इसमें सिर्फ जो है कि पाल्मर आर्कस से जो रेडियल आर्टरी का ब्लड जो है वो यहाँ सिर्फ मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर में पहुंच जाता है। बट इन मिडल फिंगर वी गेट आर्टेरियल ब्लड फ्रॉम टू आर्टरीज, दैट इज अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, ठीक है। तो सो वी शुड यूज़ इन मिडल फिंगर। सो मिडल फिंगर को इस पर प्लेस करते हैं, हम अच्छे से प्लेस करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में, और उसके बाद क्या है कि हम इसको स्विच करते हैं। नाउ एज यू कैन सी इन दिस इज़ SpO2 परसेंटेज, हाँ, SpO2 की जो परसेंटेज हमें वो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर मिलेगी हमें पल्स रेट बीट्स पर मिनट। BPM का मतलब होता है बीट्स पर मिनट, यानी पल्स रेट कितनी है वो यहाँ पर आएगी और ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है वो हमें यहाँ पर आएगी। एज यू कैन सी हियर दिस इज़ इंडिकेटिंग दिस टाइम, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, इज़ इट 1 सेकेंड, आई विल मेक इट। So we will see that this is SpO2 96 oxygen saturation है, ये आप याद रखें। percentage of SpO2 is 95 this time and pulse rate is 74 beats per minute. So normally क्या है कि जो oxygen saturation है that should be SpO2, अगर हम SpO2 की बात करें that should be 95 to 100, ठीक है। and अगर इससे कम होगा तो सो दैट विल बी द केस ऑफ हाइपोक्सिया, और उस पेशेंट में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है लाइक एनीमिया, COPD, अस्थमा, बहुत सारी लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वो हम फिर फर्दर देखते हैं। एंड 75 बीट्स पर मिनट, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत बात की है कि जो हार्ट रेट है या पल्स रेट है वो हम बीट्स पर मिनट में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100। 60 से अगर बिलो होगा तो दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया एंड 60 से अबो अगर होगा तो दैट इज़ टाइकिकार्डिया। सो दिस इज़ अबाउट SpO2 एंड पल्स रेट बीट्स पर मिनट। सो अभी हम इसमें इतना ही देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं और पल्स रेट बीट्स पर मिनट देख। ये एक अच्छा मेथड है, इसमें ये क्या है कि नॉन इन्वेसिव मेथड है, और इसमें क्या है इस पल्स ऑक्सीमीटर में ये वर्क करता है ऑन बैटरी, ठीक है। और इसमें जो रेडिएशंस निकलती है वो होते हैं, सॉरी नॉट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेज निकलती है, लाइक यू कैन सी हियर infrared rays and red rays which trace the hemoglobin और उस हीमोग्लोबिन के साथ जितना ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होगा वो हम उसकी सेचुरेशन हमें ये कैलकुलेट करके देता है, ठीक है।